जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एच बी जी चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कि द्वितीय किस्त फीस के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आए थे कि सर हमने बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सबमिट हो रहा है, हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट कर दिया था। रेगुलर स्टूडेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है वो एडमिशन फीस का सबमिट हो रहा है। और प्राइवेट को आपको पता होगा कि एडमिशन फीस नहीं जमा करनी होती है, आपके डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है इसका हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दिया था। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आपने 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज दे दिया होगा। सेकेंड की बात करें, थर्ड की बात करें, तो यहाँ पर आपने 500 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज, यहाँ सॉरी 500 रुपये का पेमेंट कर दिया होगा। और बाकी की जो फीस होती है ना, बाकी की फीस, यहाँ पर जो दो तरह के क्वेश्चन छात्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, दो तरह के मींस कि शेष फीस कितनी जमा करनी होगी, साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन जमा हुई या ऑफलाइन जमा हुई है। सभी दोनों के क्वेश्चन के मैं आंसर आपको दूँगा। देखिए, शेष फीस कितनी जमा होगी, इसका आंसर आप समझ लीजिए कि शेष फीस सभी कॉलेज की अलग अलग होगी। देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना दोस्तों, ध्यान से। अब दोस्तों कॉलेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप सभी को पता है, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, डी कॉलेज, ई कॉलेज। मैं ए बी सी जो कि एग्जांपल के तौर पर आपको, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सभी कॉलेज की फीस तो अलग अलग होती है, ठीक है। किसी कॉलेज की मान लीजिए 2000 है, किसी की 3000, किसी की 4000, किसी की 5000, किसी की 6000। अब यहाँ पर हम बात करें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आपने दिया है। अब फर्स्ट ईयर के तो आपने 1000 रुपये इंस्टॉलमेंट दिया होगा, 1000। अब बाकी की शेष फीस कितनी रहेगी, 1000। 3000 फीस है तो इसमें से 1000 दे दिए, शेष फीस कितनी रहेगी, 2000। 4000 में से 1000 आपने दे दिया, बचा कितना, 3000। अब जो शेष फीस है ना, वही हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। अब शेष फीस सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, अब वो सभी स्टूडेंट का अलग अलग होगा, सीधी सी बात है, और सभी छात्रों का अलग अलग होगा। और दोस्तों यहाँ पर कोर्स की बात करें, कोर्स का अलग अलग होगा, कॉलेज की बात करें, कॉलेज का अलग अलग होगा। तो दोस्तों कॉलेज पर डिपेंड करता है और आपके कोर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी शेष फीस कितनी रहेगी। शेष फीस के बारे में सभी कॉलेज वाला कोई अलग अपना नहीं बता सकता, अपने अपना ही बता सकता है, किसी अदर कॉलेज का नहीं बता सकता। तो शेष फीस कितनी जमा करनी है आपको कहाँ से पता चलेगा, कॉलेज से पता चलेगा, ठीक है। तो फटाफट कॉलेज चले जाइए, कॉलेज से आप इन्फॉर्मेशन निकाल लेना कि हमें शेष फीस कितनी देनी है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि ऑनलाइन जमा होगी या ऑफलाइन जमा होगी। अब देखिए, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन फीस लेते हैं और काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो ऑफलाइन फीस लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, देखिए समझ लेते हैं। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉलेज होते हैं, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो ISMS पोर्टल से ले रहे हैं, कोई कॉलेज बैंक चालान से ले रहा है, कोई सेल्फ अकाउंट में ले रहा है। अब देखिए समझ रहा, ध्यान से, यूनिवर्सिटी है हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी में ध्यान से समझना, तो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, 450 कॉलेज हैं। अब देखिए 450 कॉलेज में से 200 ऐसे कॉलेज हैं जो किस तरह से फीस ले रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, ISMS पोर्टल से। बाकी के 50-60 कॉलेज ऐसे हैं जो बैंक चालान से ले रहे हैं, कुछ सेल्फ अकाउंट में ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी सेम है, कॉलेज डिफरेंट है, और पेमेंट लेने का तरीका अलग अलग है। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर बात पता कैसे चलेगी कि हमें शेष फीस कौन से पोर्टल से, यानी किस तरह से जमा करनी है। अगर आपका कॉलेज ISMS पोर्टल से फीस ले रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ISMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास में लॉगिन ID आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा, उसे लॉगिन करना, फॉर्म भरना और फीस भर लेनी। कैसे फीस भरना इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। अगर आपका ISMS पोर्टल से फीस सबमिट हो रहा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताना कि आपके कॉलेज में किस तरह से फीस जमा हो रही है और आपके कॉलेज में कौन सा मोड यूज कर रहा है, जिससे मेरे मुझे भी और काफ़ी छात्र जो कमेंट देखेंगे ना उनको भी हेल्प हो सकेगी। बैंक चालान का मतलब होता है, अब जीवाजी यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक के थ्रू अपना चालान बनवाते हैं और अपनी फीस भरवाते हैं। तो बैंक चालान कहाँ से बनेगा, कौन सी बैंक से बनेगी, आपको कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सेल्फ अकाउंट, आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमारा जो कॉलेज है, एक कॉलेज है, वो ना तो ISMS से ले रहा है ना बैंक चालान से ले रहा है, उन्होंने मुझे क्या दिया है, अपना एक कॉलेज का, ठीक है,
कॉलेज का क्या दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, उस अकाउंट नंबर में उन्होंने बोला है कि पेमेंट कर देना, ठीक है। और पेमेंट कर देना तो आप किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इस तरह से पेमेंट लिया जाता है। अब दोस्तों एक स्टूडेंट और है, उस स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमारे कॉलेज में क्यू फिक्स पोर्टल से पेमेंट लिया जा रहा है। क्यू फिक्स कॉलेज में ज़्यादा कॉलेज ऐड नहीं है, MP के लगभग 10-12 कॉलेज ही ऐड हैं। जीबाजी यूनिवर्सिटी के इसमें 2 कॉलेज ऐड हैं, एक हमारा कौन सा है, गुना का कॉलेज है। तो एक गुना के कॉलेज का स्टूडेंट का मेरे पास में एक मैसेज आया था हाजी व्हाट्सएप पर, उन्होंने बोला था कि सर हमारे कॉलेज में क्यूपिक्स के नाम से पोर्टल पर ले रहा है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि क्यूपिक्स पोर्टल क्या है, तो मैंने सर्च की तो हाँ वास्तव में पोर्टल है, और इससे केवल जीबाजी यूनिवर्सिटी के 2-3 कॉलेज ही ऐड हैं, पूरे MP की अगर बात करें 10-12 कॉलेज ही ऐड है। तो क्यूपिक्स पोर्टल से अगर आपका पेमेंट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं इसके बारे में कल अगली वीडियो बना दूंगा। तो ISMS पोर्टल का अगर आपका पेमेंट हो रहा है तो इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूं, और आपके कॉलेज में किस तरह से पेमेंट हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आपको कॉलेज से ही मिलेगी। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।